राजाराम त्रिपाठी सर, छत्तीसगढ़ में तो हालांकि जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं, जो एग्जिट पोल्स के नतीजे हैं, वो कांग्रेस को सत्ता में वापसी दिखा रहे हैं, लेकिन वहां पर क्या इसको लेकर के चर्चा चल रही है? दूसरा, मध्य प्रदेश में भी आपका चूंकि काफी संपर्क रहता है, उसमें तेलंगाना में भी काफी संपर्क रहा है आपका, तो क्या स्थिति तेलंगाना को लेकर के? जैसा विवेक देशपांडे सर कह रहे हैं, एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं कांग्रेस सत्ता में आ रही है, तो क्या वाकई वहां जो जिन लोगों से आपके संपर्क हुए, जो आपसे लोगों की बातचीत हुई, क्या वो भी कांग्रेस को इस तरीके से समर्थन दिखा बता रहे हैं वहां पर? धन्यवाद राय साहब, ये बात सही है। मैं उनके कथन से काफी हद तक सहमत हूँ। आज ही हमारे फान से तेलंगाना के बड़े किसानों का एक दल भी आया था, तो जैसी औपचारिक चर्चा हो रही थी तो उन्होंने भी कहा कि केसीआर का जो प्रमुख वोट बैंक था वो किसान ही था, और रायतु बंधु योजना के कारण किसान उनसे काफी जुड़े हुए थे। लेकिन दो बातें हुई, एक तो केसीआर का जनता से जो जुड़ाव था वो धीरे धीरे हट गया, वो लोगों से मिलने में बहुत कतराने लगे, जैसा इन लोगों ने बताया। और दूसरा चीज उन्होंने कहा कि जो गांधी परिवार के प्रति हम लोगों का एक स्वाभाविक लगाव था, इंदिरा अम्मा से लेके, इंदिरा अम्मा वाला जब बोले राहुल गांधी गए तो एक बार फिर से वहां की जनता उनसे जुड़ी, वो एक बड़ा परिवर्तन हम लोग देखा, बोले राहुल गांधी आए तो जनता जिस तरह से स्वागत की। तीसरा चीज ये है कि कई अव्यवस्थाएं थी केसीआर की, उससे भी जो नाराज थे वो भी था, एंटी इनकम्बेंसी भी थी, राहुल की प्रेजेंस थी, और सबसे ऊपर इनको उन्होंने जो 6 गारंटी दिया तेलंगाना में, और वो केसीआर की जो योजनाएं थी उससे एक एक कदम बढ़ के, जैसे छत्तीसगढ़ में 3100 रुपया धान का एक क्विंटल का रेट फाइनली अपना ट्रंप कार्ड के रूप में निकाले भाजपा वाले, तो कांग्रेस ने 3200 रुपया रेट कर दिया, वैसे ही इन्होंने वहां पे भी एक मास्टर स्ट्रोक किया। और बाकी योजनाएं, महिलाओं वाली उनकी योजना भी बहुत लुभावनी है। और कर्नाटका की जो खबरें आई कि भाई इन्होंने जो घोषणा किया था उसको पूरा करने का प्रयास चुनाव में जैसी सत्ता में आए तो किया, ये चीजें बहुत प्रभाव डाली है इस चुनाव में, तो ये इसका प्रभाव काफी अच्छा पड़ा है। दूसरी चीज ये है कि वहां पे दो ही विकल्प प्रमुख थे, जिन वीसीआर को लेना है या कांग्रेस को। भाजपा के लिए पहले भी गुंजाइश नहीं थी, इस बार भी नहीं बनी। और जो अपने अपने मुसलमान भाइयों के वोट के पोलराइजेशन की बात थी तो उनकी 6 या 7 सीट है, उनके फिक्स है, उनमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होने वाला, तो फायदा केवल और केवल कांग्रेस को दिख रहा है। और सच में मैं उनसे सहमत हूँ विवेक जी से कि कोई बड़ी बात नहीं कि वहां पे सरकार भी तेलंगाना में बना ले। छत्तीसगढ़ के बारे में और ये जरूर मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से दिखा रहे हैं, मेरे पास सभी आपके जितने भी हैं, नाम नहीं लूंगा मैं भी, सबके सामने है, लेकिन बड़ी चीज ये है कि इसमें अगर गौर से आप देखोगे तो मिनिमम सीट कांग्रेस का 40 दिखा रहे हैं और अधिकतम सीट दिखा रहे हैं 57। और ये जो जबकि पिछले बार हम देख रहे हैं कि 67 सीट थी, तो यहाँ पे हम तर्कों की बात करेंगे। मैं सीधा सीधा तर्क पे आऊंगा कि 17 लाख किसानों को पिछले बार चुनाव में जीतने के बाद 17 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ था, करीब 10,000 करोड़ रुपया, और वो जो 17 लाख बेनिफिशरी थे वो बड़ी संख्या थी, उसने चुनाव में बड़ा असर डाला। इस साल फिर कर्ज माफी के लिए भूपेश बघेल ने इस साल चुनाव के घोषणा पत्र में डाला है। भाजपा ने कर्ज माफी को लेके कुछ बोला ही नहीं, कर्ज माफी की बात ही नहीं की, तो ये जो 17 लाख वोटर हैं राय साहब, ये तो भले भाजपा के कार्यकर्ता भी होंगे, ये जो किसान जिनको कर्ज माफी से बेनिफिट मिल रहा है, वो भाजपा के कार्यकर्ता होने के बावजूद पूरा चुनाव प्रचार भाजपा के पक्ष में करने के बावजूद जब मतदाता के रूप में जाएंगे तो निश्चित रूप से वो
जो लाख रुपए 1.5 लाख का बेनिफिट मिलने वाला है कांग्रेस के आने से, वो नहीं छोड़ने वाले, ये निश्चित मान लीजिए। दूसरा, जो धान का रेट मैंने बताया, 80% वोटर यहाँ किसान है और 80% में भी 80 से 90% केवल धान के किसान है। तो इनको जो रेट बढ़ाया कांग्रेस ने 3100 का 3200 किया, ये किसान तब से मस्त नहीं होने वाले। इसलिए मैं बोलता हूं कि इनके अब ज्यादा दिन नहीं बचा है, इनके आंकड़े जो है सही साबित नहीं होंगे। मैं जो बोल रहा हूं वो भी सामने होगा और दो दिन बाद सामने तथ्य आएंगे। तो इनका जो दूसरा, जो चारों राज्य में एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, मेरे पूर्व वक्ताओं ने बड़ा अच्छा कहा, भाई मध्य प्रदेश में एक जो सर्वे करने वाला चैनल है वो दे रहा है, मान लीजिए 60 दे रहा है, तो दूसरा कांग्रेस को 125 दे रहा है, सीधा 200% से भी ज्यादा। एक का आकलन है कि भाई कांग्रेस को 62 सीट मिलेगी और दूसरे का है 125 सीट मिलेगी। आप समझ रहे हैं डिविएशन कितना बड़ा डिविएशन है। तो अगर ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल्स के नजदीक होते तो 10% 5% का डिविएशन होता, मेरी बात समझ रहे हैं, 20% का डिविएशन होता, सीधा दुगने से ज्यादा का फर्क दो चैनल में आ रहा है। एक चैनल 62 कांग्रेस को दे रहा है, दूसरा 125 दे रहा है। इस तरह के अंतर अन्य राज्यों में भी दिख रहे हैं। मिजोरम में भी एक चैनल मिनिमम सीट कांग्रेस को 2 दे रहा है तो दूसरा मिनिमम सीट 8 दे रहा है। 400 गुना मतलब 400 प्रतिशत, 4 गुना का डेविएशन, यह जो है बताता है कि इनमें कई खामियां होंगी। इसलिए एग्जिट पोल को एग्जिट की तरह ही देखे, हमारी एक उत्सुकता होती है कि क्या रिजल्ट आएगा और समय से पहले हम उसे अंदाज लगाते हैं, कयास लगाते हैं। इसे केवल कयास की तरह देखा जाए एग्जिट पोल को, एग्जैक्ट पोल से इसका मुझे कोई खास नाता नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैं जो गणितीय तर्क देखूं, प्रोबेबिलिटी का सिद्धांत देखूं, तो दोनों तरह से फेल होते हैं कि एक कह रहा है अगर 100 तो दूसरा 400 कह रहा है, एक कह रहा है 65 62 कह रहा है तो दूसरा 125 कह रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये भ्रामक है, फिर भी इसे देखिए कौतूहल के तौर पे, मनोरंजन के तौर पे आप देख सकते हैं, सत्य के साथ इसका कोई ज्यादा गहरा नाता मुझे नहीं दिखाई देता। डॉक्टर राजाराम, एक जो अभी जिस तरीके से एग्जिट पोल्स की बात आई, अभी योजना की बात हो रही थी, तो लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। छत्तीसगढ़ में क्या धान और किसान की सियासत जो जिसकी बात हो रही थी, जिसको लेकर के लगातार चर्चा हो रही थी, तो धान और किसान की सियासत में बघेलबाजी मार रहे हैं? तो मेरा मानना है राय साहब की छत्तीसगढ़ का जो रिजल्ट है वो खुला हुआ है और ये भाजपा भी जानती है, क्योंकि वोटिंग के 2 दिन पहले तक भाजपा के नेता आस लगाए थे कि उनके केंद्रीय नेता कोई ऐसी योजना लेके आएंगे जो भूपेश बघेल की योजनाओं की काट प्रस्तुत हो जाएगी, लेकिन तमाम प्रयास करने के बाद जो उनका घोषणा पत्र आया 19 रहा। जैसे मैंने बताया कर्ज माफी वाली योजना की, मेरे भाजपाई मित्र भी हैं, वो भी कहते हैं कि भाई पिछले बार भी इनकी सरकार कर्ज माफी की योजना लेके आई और बन गई और बम्पर सरकार बनी, इस बार भी उन्होंने घोषणा कर दिया है, हमें बड़ी उम्मीद थी कि हमारी पार्टी भी कर्ज माफी की घोषणा करेगी। तो सीधी सीधी बात है, 17 लाख सरप्लस किसान हो गए, वो जो योजना का असर होना ही है। तो मैं अगर कोई पोल में दिखाता है कि छत्तीसगढ़ में नेक टू नेक है या कम है, 67 सीट से कम हो रही है, तो मैं ये पूछता हूँ कि कारण क्या हो सकता है, कारण की बात करें ना कि क्यों कम होगा। और अगर ऐसा है तो 15 साल की सरकार गई किन मुद्दों पे, भाजपा आई किन मुद्दों पे, 90 में 67 सीट क्यों मिली कांग्रेस को, वही कारक आज भी सक्रिय है बल्कि पहले से बेहतर हुए हैं, धान की खरीदी का रेट बढ़ा है। सीधा सीधा सोचिए कि 3100 अगर भाजपा की सरकार आती 3100 देती, कांग्रेस ने 3200 का वादा किया है, भाजपा ने वादा पहले भी किया था और पूरा नहीं किया था, इसलिए पहले से नाराज है किसान, क्योंकि 15 साल थे वो और उन्होंने बोनस का वादा करके 270 रुपये और 300 रुपये नहीं दिया था, तो वो बड़ी बात थी ही। अब 3100 भाजपा ने किया है और कांग्रेस ने 3200, एक किसान का 20 क्विंटल धान खरीदेंगे, 20 क्विंटल पे एक एकड़ पे 20 क्विंटल लेते हैं तो 2000 का फर्क हो रहा है किसान को, और 84% किसान 4 एकड़ वाले हैं 5 एकड़ वाले हैं मेरे छत्तीसगढ़ में,
तो 5 एकड़ पे सीधा सीधा 2 पंचे 10 यानी 10,000 ज्यादा मिल रहा है वोट देने पे, किस कांग्रेस को वोट देने से, हर किसान को, और हर किसान के 50,000 से 1 लाख लोन है, तो वो एक लोन माफ हो रहा है जो कि भाजपा आने पे नहीं हो रहा है। जो 10,000 से 20,000 रुपया जो धान पे मिल रहा है 10 एकड़ के किसान को 20,000 रुपया, वो भी भाजपा के आने से नहीं मिल रहा है। और पढ़ाई जो उन्होंने पीजी केजी टू पीजी फ्री की है वह भी एक बड़ा मुद्दा है, वह भाजपा के आने से नहीं मिल रहा है। तो ये बताइए, जब ये सारी चीजें ओपन है और ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी घोफड़ा लेके अचानक आई है, ये पार्टी पहले इसी एजेंडे पे काम करती रही है, वो इसने केवल अपनी योजना का विस्तार किया है, तो क्या कारण है कि आप उसे 40 और 45 दे रहे हैं, जरा बताइए। सीट किस आधार पे देंगे? मैं अभी कह रहा हूं 70 किसी भी हालत में आप देखिएगा, 2 दिन की बात है, हम चुनाव पे रहेंगे, इनके जो आंकड़े हैं ये कहीं पे भी किसी आधार से कहीं भी टच नहीं करते हैं। मैंने पहले भी कहा, एक 60 दे रहा है तो दूसरा 123 दे रहा है, 200%। मिजोरम में एक 2 मिनिमम सीट दे रहा है कांग्रेस को तो दूसरा 8 दे रहा है, 4 गुना। यही तेलंगाना में भी है। तो ये इनके आधार चाहे जो भी हो, जमीनी आधार से मैं कहूंगा ये कहीं भी उसे छू भी नहीं पा रहे असलियत को। आप देख लीजिएगा 60 से 70 के बीच कांग्रेस की सीट छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से आएंगी।